नमस्कार साथियों, मैं रेनू राणा आपकी होस्ट और आपकी दोस्त और हरियाणा के डिप्टी सीएम के लिए लाइव आई हूँ। प्लीज सिर्फ देशभक्ति मेरे साथ जुड़ना लाइव पे। अंधभक्तों की या फिर अदर भक्तों की मेरे फेसबुक पे कोई जगह नहीं है। एज आई टोल्ड यू कि जो अपने देश के लिए समर्पित हैं युवा साथी, और वही सुनना। राम राम जी। साथियों, अभी सुनने में आया था, आप लोगों ने भी सुना होगा खबरें, कि एक व्यक्ति ने हरियाणा के उप मुख्यमंत्री के लिए कुछ सोशल मीडिया पर लिख दिया था, जिसकी सजा उनको इतनी बड़ी मिली कि उन्हें जो सरकारी दफ्तर में वो ड्राइवर की नौकरी करते थे वहां से उनको हटा दिया गया। और इसी पे लाइव आई हूं कि दुष्यंत चौटाला जी, आप विदेशों में पड़े हुए हो, चौटाला परिवार के आप वंश हो, ताऊ देवीलाल जी के परिवार के आप हो, गरीबी तो जिंदगी में आपने कभी देखी नहीं है। सरकारी नौकरी पाने का सपना या प्राइवेट नौकरी पाने का सपना क्या होता है उसको आपने कभी देखा नहीं है। विदेशों की मिट्टी की खुशबू आप लेते हो, उन विदेशी जो मिट्टी है उसी में ही आपने अपना जो है जीवन बिताया भी होगा, और मूर्ख बनाने के लिए आपको हरियाणावासी मिले हैं। जिस तरीके से नौकरी आपने उस लड़के की छीनी है, सपोज करो, जरा सपोज करिए, अगर मोदी और खट्टर अंकल आपकी उप मुख्यमंत्री की नौकरी छीन लेंगे तो कैसा दर्द होगा। उसी दर्द से वो लड़का भी गुजरा होगा जिसके पिता का अभी कुछ महीने पहले ही देहांत हुआ था। मात्र 18,000 रुपए में वो अपने घर का गुजारा करता था। आपको इतनी शर्म नहीं आई? अरे शर्म करो, तुम्हारे वो जुमलेबाजी झूठे, क्या बोलते थे, जमुना पार भेजेंगे मुख्यमंत्री को, जमुना पार। हरियाणा वासियों ने तो खट्टर को जमुना पार भेजा था। गद्दारी आपने की जो उसको जमुना पार से खींचकर हरियाणा की सत्ता में लेकर आयो। थूकते हो तुम्हारी इस सत्ता पर, ठीक है, लोभी लालची। शर्म आती है मुझे उस दिन पर जब तुम्हारे साथ मुझे मंच शेयर करने का मौका मिला था। वो तुम्हारा विधायक, जैसे तुम नशे के कारोबारी, तुम्हारा विधायक अगर यही रूप रंग दिखाकर चुनाव में आए होते ना, तो खट्टर के साथ जमुना पार तुमको भी भेजते। कोई जेजेपी का जन्म नहीं होता। लड़के एमटेक किए हुए, बीटेक किए हुए लड़के मात्र 5-7 हजार रुपए की नौकरी के लिए दर दर ठोकरे खाते हैं। तुम बेरोजगार दूर करने से तो क्या गए, जिनके पास रोजगार था वो रोजगार भी छीन लिया। चाहती हूँ मैं, ऊपर वाले से विश करती हूँ कि बहुत जल्दी खट्टर और मोदी तुमसे इस्तीफा ले, तो पता चलेगा नौकरी जाना किसे कहते हैं। अगर ये ना करे ना, तो सुन लो हरियाणा के युवाओं, आप लोगों को कह रही हूँ, हरियाणा के किसानों, एक हो जाओ इसकी सत्ता छीनने के लिए। इसको जो घमंड आ रहा है ना अपनी गद्दी का, ये जो 10 सीटें जेजेपी की मिली है ना, सुन लो दुष्यंत चौटाला जी, ध्यान से सुनना, ये 10 सीटें आपको ना भाजपा के विरोध करने पर मिली थी। बार बार जमुना पार, वो लड़की की वीडियो को आप बहुत अपनी रैली में बोलते थे ना, जमुना पार भेजेंगे। जमुना पार भेजने वाले जुमलेबाजी पर ही, वो मोदी के ही आप बेटे हो, ठीक है ना, वो जुमलेबाजी करने पर ही आपको सत्ता मिली थी, 10 सीटें मिली थी। ना तो 0 अंडा मिलता और अपने भी जमाना जब करा के बैठते आप। नाम रेनु राणा है, अच्छे से जानते हो दुष्यंत चौटाला जी, देखते मेरा बर्दाश्त नहीं करेंगे। सहयोगी पार्टी बन के आए हो, लाठी दे दी अपनी खट्टर अंकल को। हाँ, निकलो बिना सिक्योरिटी के, आइए ना, कभी आइए बिना सिक्योरिटी के, बीच में जनता के आइए। रेनू राणा भी दिखाएगी आपको काले झंडे। और चलो मैं मानती हूँ, मैं सिटी से हूँ और दुष्यंत चौटाला के बारे में शायद मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था, लेकिन जो लोग INLD छोड़कर आए थे और इसका फेवर किया था, क्या वो इसको नहीं जानते थे क्या, इसके अंदर विदेशी मानसिकता है? ये हमारे पाप थे जो हमसे पाप हुआ था 2014 में मोदी को प्रधानमंत्री बनाकर, और अब इसकी जुमलेबाजी में छोटे दुष्य जो खोपर जी हैं, दुष्यंत चौटाला जी, इनको जेजेपी की 10 सीटें दिलाकर जो हमसे पाप हुए हैं ना, उस पाप को धोने के लिए अब मैं रेनू राणा, आम आदमी पार्टी, गंगा में डुबकी लगा के ही पाप धोए जाते हैं, तो मैंने भी आम आदमी पार्टी में डुबकी लगा ली है और उसी गंगा में डूब के अपने पाप भी धोए और उसी गंगा जल को हाथ में उठा के ये शपथ भी ली है कि तुम जैसे घटिया नेताओं को, भ्रष्टाचारियों को, दोगलों को इस भारत की
राजनीति से निकालकर बाहर फेंकना है। राजनीति बुरी नहीं है, एक सेवा का माध्यम है, लेकिन तुम जैसे कारोबारी व्यापारी आकर इन्होंने राजनीति को बदनाम किया हुआ है। हम बदलाव लाएंगे, आम आदमी पार्टी का मकसद ही है राजनीति में बदलाव लेकर आना, ना कि राजनीति करना। हाँ दर्द है, उस भाई का दर्द है मुझे, जिसके 18,000 रुपए आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा था। 18,000 रुपए, मात्र 18,000 रुपए में अपनी जिंदगी गुजर बसर कर रहा था। अरे भाई विरोध आपका कर भी दे तो क्या हुआ, अरे इतना बड़ा तो दिल रखो कि आप अपने विरोधियों को भी माफ कर सको। हमेशा कहती हूँ ना, बच्चा दिमाग की, पता नहीं कौन से बुरे पाप थे जो बच्चे को सत्ता में आके बिठा दिया हमने। वैसे खत्म जेजेपी तो कब की चली गई, खत्म ही ऑलमोस्ट। उस भाई को मैं इतना ही कहूंगी, भाई सबर रखो, सबर रखना, सबर का फल मीठा होता है। बच्चों की बद्दुआएं, ये जेजेपी बीजेपी जो बच्चों की, किसानों की, महिलाओं की, बुजुर्गों की बद्दुआएं ले रहे हैं ना, पाप का घड़ा भर चुका है, अब इनका अंत समय नजदीक है। उस भाई के तक मेरी इस आवाज को जरूर पहुंचाना, और भाई मदद की जरूरत है तो प्लीज एक बार जरूर मिलने की कोशिश करना, मेरे को अपना फोन नंबर देना, मिलके हम आपके साथ खड़े आपकी आवाज को और उठाएंगे। वैसे तो ये सुनने वाले नहीं, बहरी गूंगी सरकार है, इतनी तानाशाही सरकार तो मैंने कह रही हूँ कि मुगल काल या अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी भी थी ना, वो भी इतनी निर्दयी नहीं थी जितने निर्दयी ये हैं। और मैं तो सच कहूँ ना, भारतीय जनता पार्टी जो है ना, वो आधुनिक भारत की नई ईस्ट इंडिया कंपनी है। और ये दुष्यंत चौटाला जी, ये भी उसी कंपनी में शामिल हो चुके हैं। तो सुनो ना, हम अंग्रेजों से डरे थे, ना तुमसे डरते हैं। डरना हमारे खून में नहीं है, और देशभक्त डरा नहीं करते। हम नकली वो मोदी की तरह नकली राष्ट्रभक्त नहीं है, नकली देशभक्त नहीं है। वो कह के हम तो देशभक्त है, देशभक्त है, वो सिर्फ अडानी और अंबानी भगत है। चौकीदार अडानी और अंबानी के हैं, हम अपने भारत देश के गुलाम है, उसी में हकते हैं। तो गाइज बस मैं उस भाई के लिए जो अपनी नौकरी से हाथ धो बैठे हैं, उनके लिए लाइव आई थी, क्योंकि बड़ा दर्द है भाई, नहीं मिलती नौकरी आज के टाइम में। मैं आप कितनों की अप्रोच, एक प्राइवेट नौकरी लेने के लिए भी आपको कितनों की अप्रोच लगवानी पड़ती है, तब जाके भी आपको ये नौकरियां नहीं मिलती। लेकिन एक सेकंड में किसी ने आपकी नौकरी छीन ली हो तो उसका दर्द समझ में आता है। वैसे इतने सारे बेरोजगार घरों में बैठे हैं, लेकिन जिसके पास थी उनकी नौकरियों को छीनना, हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, हमारे जो मौलिक अधिकार है, हमारी राइट टू स्पीच है, हमारे संविधान की हत्या ये लोग घोटेंगे। ये विदेशों की जो पढ़ाई पढ़ के आने वाले लड़के, ये हमें बताएंगे संविधान क्या होता है। आई हेट दिस काइंड ऑफ दिस सिस्टम। और दुष्यंत चौटाला नाम है रेनू राणा, रहती हूँ पानीपत में, आपके रामकरण काला बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है ना, पूछ लेना। निरंतर विरोध किया था, करती रहूंगी। अगर तुम ठीक होते तो अच्छा बोलती, अगर तुम बुरा कर रहे हो तो बुरा बोलूंगी, रोक नहीं सकते हो। संविधान के तहत चलते हैं, मर्यादा में रहकर बात करते हैं, संविधानिक तरीके से बात करती हूँ, इससे प्रश्न पूछने का पूरा अधिकार है। और अपनी ये ना गुलाब, ये जो अपनी तानाशाही है, मोदी वाली तानाशाही, जो आपके अंदर किसी और को दिखाना, हमारे ऊपर नहीं चलेगी। और भाई आपको सिर्फ इतना ही कहूंगी, हताश मत होना, निराश मत होना, आपने कोई गलती नहीं की, आपने अपने संविधानिक अधिकारों का प्रयोग किया था, आपने सिर्फ विरोध किया था, आप कहीं गलत नहीं है। गलत अगर कोई है तो ये दुष्यंत चौटाला है। गाइज आप लोगों से सिर्फ इतना ही है कि प्लीज ये वीडियो को शेयर करके उस भाई तक जरूर पहुंचाना, ओके, ताकि उनको ये ना लगे कि उनसे कोई गलती या कोई गिल्टी है। हम हरियाणा के युवा साथी अपने भाई के साथ खड़े हैं, खड़े रहेंगे, और समय आने पर उस भाई के साथ धरातल पर भी, सिर्फ फेसबुक पर नहीं, कुछ लोग सिर्फ फेसबुक क्या होता है, सिर्फ फेसबुक पर नहीं, धरातल पर उस भाई के लिए खड़े होकर लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो ये रेनू राणा भाई पानीपत में बैठी है, कॉन्टैक्ट जरूर करियो। इनकलाब जिंदाबाद। नमस्कार साथियों, मैं रेनू राणा, आपकी होस्ट और आपकी दोस्त, और हरियाणा के डिप्टी सीएम के लिए लाइव आई हूँ। प्लीज सिर्फ देशभक्ति मेरे साथ जुड़ना लाइव पे, अंधभक्तों की या फिर अदर भक्तों की मेरे फेसबुक पे कोई जगह नहीं है। एज आई टोल्ड यू कि जो अपने देश के लिए समर्पित हैं, युवा साथी, और वही सुनना।
राम राम जी। साथियों, अभी सुनने में आया था, आप लोगों ने भी सुना होगा खबरें कि एक व्यक्ति ने हरियाणा के उप मुख्यमंत्री के लिए कुछ सोशल मीडिया पर लिख दिया था, जिसकी सजा उनको इतनी बड़ी मिली कि उन्हें जो सरकारी दफ्तर में वो ड्राइवर की नौकरी करते थे वहां से उनको हटा दिया गया। और इसी पे लाइव आई हूं कि दुष्यंत चौटाला जी, आप विदेशों में पड़े हुए हो, चौटाला परिवार के आप वंश हो, ताऊ देवीलाल जी के परिवार के आप हो, गरीबी तो जिंदगी में आपने कभी देखी नहीं है। सरकारी नौकरी पाने का सपना या प्राइवेट नौकरी पाने का सपना क्या होता है उसको आपने कभी देखा नहीं है। विदेशों की मिट्टी की खुशबू आप लेते हो, उन विदेशी जो मिट्टी है उसी में ही आपने अपना जो है जीवन बिताया भी होगा, और मूर्ख बनाने के लिए आपको हरियाणावासी मिले हैं। जिस तरीके से नौकरी आपने उस लड़के की छीनी है, सपोज करो, जरा सपोज करिए, अगर मोदी और खट्टर अंकल आपकी उप मुख्यमंत्री की नौकरी छीन लेंगे तो कैसा दर्द होगा। उसी दर्द से वो लड़का भी गुजरा होगा जिसके पिता का अभी कुछ महीने पहले ही देहांत हुआ था। मात्र 18,000 रुपए में वो अपने घर का गुजारा करता था। आपको इतनी शर्म नहीं आई? अरे शर्म करो, तुम्हारे वो जुमलेबाजी झूठे, क्या बोलते थे, जमुना पार भेजेंगे मुख्यमंत्री को, जमुना पार। हरियाणा वासियों ने तो खट्टर को जमुना पार भेजा था, गद्दारी आपने की जो उसको जमुना पार से खींचकर हरियाणा की सत्ता में लेकर आयो। थूकते हो तुम्हारी इस सत्ता पर, ठीक है, लोभी लालची। शर्म आती है मुझे उस दिन पर जब तुम्हारे साथ मुझे मंच शेयर करने का मौका मिला था। वो तुम्हारा विधायक, जैसे तुम नशे के कारोबारी, तुम्हारा वो विधायक अगर यही रूप रंग दिखाकर चुनाव में आए होते ना, तो खट्टर के साथ जमुना पार तुमको भी भेजते, कोई जेजेपी का जन्म नहीं होता। लड़के एमटेक किए हुए, बीटेक किए हुए लड़के मात्र 5-7 हजार रुपए की नौकरी के लिए दर दर ठोकरे खाते हैं। तुम बेरोजगार दूर करने से तो क्या गए, जिनके पास रोजगार था वो रोजगार भी छीन लिया। चाहती हूँ मैं ऊपर वाले से विश करती हूँ कि बहुत जल्दी खट्टर और मोदी तुमसे इस्तीफा ले, तो पता चलेगा नौकरी जाना किसे कहते हैं। अगर ये ना करे ना, तो सुन लो हरियाणा के युवाओं, आप लोगों को कह रही हूँ, हरियाणा के किसानों, एक हो जाओ इसकी सत्ता छीनने के लिए। इसको जो घमंड आ रहा है ना अपनी गद्दी का, ये जो 10 सीटें जेजेपी की मिली है ना, सुन लो दुष्यंत चौटाला जी, ध्यान से सुनना, ये 10 सीटें आपको ना भाजपा के विरोध करने पर मिली थी। बार बार जमुना पार, जमुना पार, वो लड़की की वीडियो का बहुत अपनी रैली में बोलते थे ना, जमुना पार भेजेंगे, जमुना पार भेजने वाले जुमलेबाजी पर ही, वो मोदी के ही आप बेटे हो, ठीक है ना, वो जुमलेबाजी करने पर ही आपको सत्ता मिली थी, 10 सीटें मिली थी, ना तो 0 अंडा मिलता और अपने भी जमाना जब्त करा के बैठते आप। नाम रेणु राणा है, अच्छे से जानते हो दुष्यंत चौटाला जी, देखते मेरा बर्दाश्त नहीं करेंगे। सहयोगी पार्टी बन के आयो, लाठी दे दी अपनी खट्टर अंकल को, हाँ निकलो बिना सिक्योरिटी के, आइए ना कभी, आइए बिना सिक्योरिटी के बीच में जनता के आइए, रेणु राणा भी दिखाएगी आपको काले झंडे। और चलो मैं मानती हूँ मैं सिटी से हूँ, और दुष्यंत चौटाला के बारे में शायद मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था, लेकिन जो लोग INLD छोड़कर आए थे और इसका फेवर किया था, क्या वो इसको नहीं जानते थे, क्या इसके अंदर विदेशी मानसिकता है, ये हमारे पाप थे जो हमसे पाप हुआ था 2014 में मोदी को प्रधानमंत्री बनाकर, और अब इसके जुमलेबाजी में छोटे ये जो खोपर जी हैं दुष्यंत चौटाला जी, इनको जेजेपी की 10 सीटें दिलाकर जो हमसे पाप हुए हैं ना, उस पाप को धोने के लिए अब हम मैं रेणु राणा आम आदमी पार्टी गंगा में डुबकी लगा के ही पाप धोए जाते हैं, तो मैंने भी आम आदमी पार्टी में डुबकी लगा ली है और उसी गंगा में डूब के अपने पाप भी धोए और उसी गंगा जल को हाथ में उठा के ये शपथ भी ली है कि तुम जैसे घटिया नेताओं को, भ्रष्टाचारियों को, दोगलों को इस भारत की राजनीति से निकालकर बाहर फेंकना है। राजनीति बुरी नहीं है, एक सेवा का माध्यम है, लेकिन तुम जैसे कारोबारी व्यापारी आकर इन्होंने राजनीति को बदनाम किया हुआ है। हम बदलाव लाएंगे, आम आदमी पार्टी का मकसद ही है राजनीति में बदलाव लेकर आना, ना कि राजनीति करना। हाँ दर्द है, उस भाई का दर्द है मुझे, जिसके 18,000 रुपए आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा था, 18,000 रुपए, मात्र 18,000 रुपए में अपनी जिंदगी गुजर बसर कर रहा था। अरे भाई विरोध आपका कर भी दे तो क्या हुआ, अरे इतना बड़ा तो दिल रखो,
कि आप अपने विरोधियों को भी माफ कर सको। हमेशा कहती हूँ ना, बच्चा दिमाग की, पता नहीं कौन से बुरे पाप थे जो बच्चे को सत्ता में आके बिठा दिया हमने। वैसे खत्म जेजीपी तो कब की चली गई, खत्म ही ऑलमोस्ट। उस भाई को मैं इतना ही कहूंगी, भाई सबर रखो, सबर रखना, सबर का फल मीठा होता है। बच्चों की बद्दुआएं, ये जेजेपी बीजेपी जो बच्चों की, किसानों की, महिलाओं की, बुजुर्गों की बद्दुआएं ले रहे हैं ना, पाप का घड़ा भर चुका है, अब इनका अंत समय नजदीक है। उस भाई के तक मेरी इस आवाज को जरूर पहुंचाना, और भाई मदद की जरूरत है तो प्लीज एक बार जरूर मिलने की कोशिश करना, मेरे को अपना फोन नंबर देना, मिलके हम आपके साथ खड़े आपकी आवाज को और उठाएंगे। वैसे तो ये सुनने वाले नहीं, बहरी गूंगी सरकार है, इतनी तानाशाही सरकार तो मैंने कह रही हूँ कि मुगल काल या अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी भी थी ना, वो भी इतनी निर्दयी नहीं थी जितने निर्दयी ये हैं। और मैं तो सच कहूँ ना, भारतीय जनता पार्टी जो है ना, वो आधुनिक भारत की नई ईस्ट इंडिया कंपनी है। और ये दुष्यंत चौटाला जी, ये भी उसी कंपनी में शामिल हो चुके हैं। तो सुनो ना, हम अंग्रेजों से डरे थे, ना तुमसे डरते हैं। डरना हमारे खून में नहीं है, और देशभक्त डरा नहीं करते। हम नकली वो मोदी की तरह नकली राष्ट्रभक्त नहीं है, नकली देशभक्त नहीं है। वो कह के हम तो देशभक्त है, वो सिर्फ अडानी और अंबानी भगत है, चौकीदार अडानी और अंबानी के हैं। हम अपने भारत देश के गुलाम है, उसी में ही हकते हैं। तो गाइज बस, मैं उस भाई के लिए जो अपनी नौकरी से हाथ धो बैठे हैं, उनके लिए लाइव आई थी, क्योंकि बड़ा दर्द है भाई, नहीं मिलती नौकरी आज के टाइम में। मैं आप कितनों की अप्रोच, एक प्राइवेट नौकरी लेने के लिए भी आपको कितनों की अप्रोच लगवानी पड़ती है, तब जाके भी आपको ये नौकरियां नहीं मिलती। लेकिन एक सेकंड में किसी ने आपकी नौकरी छीन ली हो तो उसका दर्द समझ में आता है। वैसे इतने सारे बेरोजगार घरों में बैठे हैं, लेकिन जिसके पास थी उनकी नौकरियों को छीनना, हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, हमारे जो मौलिक अधिकार है, हमारी राइट टू स्पीच है, हमारे संविधान की हत्या ये लोग घोटेंगे। ये विदेशों की जो पढ़ाई पढ़ के आने वाले लड़के, ये हमें बताएंगे संविधान क्या होता है। आई हेट दिस काइंड ऑफ दिस सिस्टम। और दुष्यंत चौटाला नाम है रेनू राणा, रहती हूँ पानीपत में, आपके रामकरण काला बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है ना, पूछ लेना। निरंतर विरोध किया था, करती रहूंगी। अगर तुम ठीक होते तो अच्छा बोलती, अगर तुम बुरा कर रहे हो तो बुरा बोलूंगी, रोक नहीं सकते हो। संविधान के तहत चलते हैं, मर्यादा में रहकर बात करते हैं, संविधानिक तरीके से बात करती हूँ। इससे प्रश्न पूछने का पूरा अधिकार है। और अपनी ये ना गुलाब, ये जो अपनी तानाशाही है, मोदी वाली तानाशाही, जो आपके अंदर किसी और को दिखाना, हमारे ऊपर नहीं चलेगी। और भाई आपको सिर्फ इतना ही कहूंगी, हताश मत होना, निराश मत होना। आपने कोई गलती नहीं की, आपने अपने संविधानिक अधिकारों का प्रयोग किया था, आपने सिर्फ विरोध किया था, आप कहीं गलत नहीं है। गलत अगर कोई है तो ये दुष्यंत चौटाला है। गाइज आप लोगों से सिर्फ इतना ही है कि प्लीज ये वीडियो को शेयर करके उस भाई तक जरूर पहुंचाना, ओके, ताकि उनको ये ना लगे कि उनसे कोई गलती या कोई गिल्टी है। हम हरियाणा के युवा साथी अपने भाई के साथ खड़े हैं, खड़े रहेंगे, और समय आने पर उस भाई के साथ धरातल पर भी, सिर्फ फेसबुक पर नहीं, कुछ लोग सिर्फ फेसबुक क्या होते हैं, सिर्फ फेसबुक पर नहीं, धरातल पर उस भाई के लिए खड़े होकर लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो ये रेनू राणा भाई पानीपत में बैठी है, कॉन्टैक्ट जरूर करियो। इनकलाब जिंदाबाद। नमस्कार साथियों, मैं रेनू राणा, आपकी होस्ट और आपकी दोस्त, और हरियाणा के डिप्टी सीएम के लिए लाइव आई हूँ। प्लीज सिर्फ देशभक्ति मेरे साथ जुड़ना लाइव पे। अंधभक्तों की या फिर अदर भक्तों की मेरे फेसबुक पे कोई जगह नहीं है। एज आई टोल्ड यू कि जो अपने देश के लिए समर्पित हैं और युवा साथी, और वही सुनना। राम राम जी। साथियों अभी सुनने में आया था, आप लोगों ने भी सुना होगा खबरें, कि एक व्यक्ति ने हरियाणा के उप मुख्यमंत्री के लिए कुछ सोशल मीडिया पर लिख दिया था, जिसकी सजा उनको इतनी बड़ी मिली कि उन्हें जो सरकारी दफ्तर में वो ड्राइवर की नौकरी करते थे, वहां से उनको हटा दिया गया।
और इसी पे लाइव आई हूँ कि दुष्यंत चौटाला जी, आप विदेशों में पड़े हुए हो, चौटाला परिवार के आप वंश हो, ताऊ देवीलाल जी के परिवार के आप हो, गरीबी तो जिंदगी में आपने कभी देखी नहीं है। सरकारी नौकरी पाने का सपना या प्राइवेट नौकरी पाने का सपना क्या होता है उसको आपने कभी देखा नहीं है। विदेशों की मिट्टी की खुशबू आप लेते हो, उन विदेशी जो मिट्टी है उसी में ही आपने अपना जो है जीवन बिताया भी होगा, और मूर्ख बनाने के लिए आपको हरियाणा वासी मिले हैं। जिस तरीके से नौकरी आपने उस लड़के की छीनी है, सपोज करो, जरा सपोज करिए, अगर मोदी और खट्टर अंकल आपकी उप मुख्यमंत्री की नौकरी छीन लेंगे तो कैसा दर्द होगा। उसी दर्द से वो लड़का भी गुजरा होगा जिसके पिता का अभी कुछ महीने पहले ही देहांत हुआ था। मात्र 18,000 रुपए में वो अपने घर का गुजारा करता था। आपको इतनी शर्म नहीं आई? अरे शर्म करो, तुम्हारे वो जुमलेबाजी झूठे, क्या बोलते थे, जमुना पार भेजेंगे मुख्यमंत्री को, जमुना पार। हरियाणा वासियों ने तो खट्टर को जमुना पार भेजा था। गद्दारी आपने की जो उसको जमुना पार से खींचकर हरियाणा की सत्ता में लेकर आयो। थूकते हो तुम्हारी इस सत्ता पर, ठीक है, लोभी लालची। शर्म आती है मुझे उस दिन पर जब तुम्हारे साथ मुझे मंच शेयर करने का मौका मिला था। वो तुम्हारा विधायक, जैसे तुम नशे के कारोबारी, तुम्हारा वो विधायक अगर यही रूप रंग दिखाकर चुनाव में आए होते ना, तो खट्टर के साथ जमुना पार तुमको भी भेजते, कोई जेजेपी का जन्म नहीं होता। लड़के एमटेक किए हुए, बीटेक किए हुए लड़के मात्र 5-7 हजार रुपए की नौकरी के लिए दर दर ठोकरे खाते हैं। तुम बेरोजगार दूर करने से तो क्या गए, जिनके पास रोजगार था वो रोजगार भी छीन लिया। चाहती हूँ मैं, ऊपर वाले से विश करती हूँ कि बहुत जल्दी खट्टर और मोदी तुमसे इस्तीफा ले तो पता चलेगा नौकरी जाना किसे कहते हैं। अगर ये ना करे ना तो सुन लो, हरियाणा के युवाओं, आप लोगों को कह रही हूँ, हरियाणा के किसानों, एक हो जाओ इसकी सत्ता छीनने के लिए। इसको जो घमंड आ रहा है ना अपनी गद्दी का, ये जो 10 सीटें जेजेपी की मिली है ना, सुन लो दुष्यंत चौटाला जी, ध्यान से सुनना, ये 10 सीटें आपको ना भाजपा के विरोध करने पर मिली थी। बार बार जमुना पार, जमुना पार, वो लड़की की वीडियो को आप बहुत अपनी रैली में बोलते थे ना, जमुना पार भेजेंगे, जमुना पार भेजने वाले जुमलेबाजी पर ही, वो मोदी के ही आप बेटे हो, ठीक है ना, वो जुमलेबाजी करने पर ही आपको सत्ता मिली थी, 10 सीटें मिली थी ना, तो 0 अंडा मिलता और अपने भी जमाना जब्त करा के बैठते आप। नाम रेणु राणा है, अच्छे से जानते हो दुष्यंत चौटाला जी, देखते मेरा बर्दाश्त नहीं करेंगे। सहयोगी पार्टी बन के आयो, लाठी दे दी अपनी खट्टर अंकल को, हाँ निकलो बिना सिक्योरिटी के, आइए ना कभी, आइए बिना सिक्योरिटी के बीच में जनता के आइए, रेणु राणा भी दिखाएगी आपको काले झंडे। और चलो मैं मानती हूँ मैं सिटी से हूँ और दुष्यंत चौटाला के बारे में शायद मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था, लेकिन जो लोग INLD छोड़कर आए थे और इसका फेवर किया था, क्या वो इसको नहीं जानते थे क्या, इसके अंदर विदेशी मानसिकता है, ये हमारे पाप थे जो हमसे पाप हुआ था 2014 में मोदी को प्रधानमंत्री बनाकर, और अब इसके जुमलेबाजी में छोटे दुष्य जो खोपर जी हैं दुष्यंत चौटाला जी, इनको जेजेपी की 10 सीटें दिलाकर जो हमसे पाप हुए हैं ना, उस पाप को धोने के लिए अब हम मैं रेणु राणा आम आदमी पार्टी गंगा में डुबकी लगा के पाप धोए जाते हैं, तो मैंने भी आम आदमी पार्टी में डुबकी लगा ली है और उसी गंगा में डूब के अपने पाप भी धोए और उसी गंगा जल को हाथ में उठा के ये शपथ भी ली है कि तुम जैसे घटिया नेताओं को, भ्रष्टाचारियों को, दोगलों को इस भारत की राजनीति से निकालकर बाहर फेंकना है। राजनीति बुरी नहीं है, एक सेवा का माध्यम है, लेकिन तुम जैसे कारोबारी व्यापारी आकर इन्होंने राजनीति को बदनाम किया हुआ है। हम बदलाव लाएंगे, आम आदमी पार्टी का मकसद ही है राजनीति में बदलाव लेकर आना, ना कि राजनीति करना। हाँ दर्द है, उस भाई का दर्द है मुझे जिसके 18,000 रुपए आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा था। 18,000 रुपए, मात्र 18,000 रुपए में वो अपनी जिंदगी गुजर बसर कर रहा था। अरे भाई विरोध आपका कर भी दे तो क्या हुआ, अरे इतना बड़ा तो दिल रखो कि आप अपने विरोधियों को भी माफ कर सको। हमेशा कहती हूँ ना, बच्चा दिमाग की, पता नहीं कौन से बुरे पाप थे जो बच्चे को सत्ता में लाके बिठा दिया हमने। वैसे खत्म जेजेपी तो कब की चली गई, खत्म ही ऑलमोस्ट। और उस भाई को मैं इतना ही कहूंगी, भाई सबर रखो, सबर रखना, सबर का फल मीठा होता है। बच्चों की बद्दुआएं, ये जेजेपी बीजेपी जो बच्चों की, किसानों की, महिलाओं की, बुजुर्गों की बद्दुआएं ले रहे हैं ना, पाप का घड़ा भर चुका है, अब इनका अंत समय नजदीक है।
उस भाई के तक मेरी इस आवाज को जरूर पहुंचाना, और भाई मदद की जरूरत है तो प्लीज एक बार जरूर मिलने की कोशिश करना, मेरे को अपना फोन नंबर देना, मिलके हम आपके साथ खड़े आपकी आवाज को और उठाएंगे। वैसे तो ये सुनने वाले नहीं, बहरी गूंगी सरकार है, इतनी तानाशाही सरकार तो मैंने कह रही हूँ कि मुगल काल या अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी भी थी ना, वो भी इतनी निर्दयी नहीं थी जितने निर्दयी ये हैं। और मैं तो सच कहूँ ना, भारतीय जनता पार्टी जो है ना, वो आधुनिक भारत की नई ईस्ट इंडिया कंपनी है। और ये दुष्यंत चौटाला जी, ये भी उसी कंपनी में शामिल हो चुके हैं। तो सुनो ना, हम अंग्रेजों से डरे थे, ना तुमसे डरते हैं। डरना हमारे खून में नहीं है, और देशभक्त डरा नहीं करते। हम नकली वो मोदी की तरह नकली राष्ट्रभक्त नहीं है, नकली देशभक्त नहीं है। वो कह के हम तो देशभक्त है देशभक्त है, वो सिर्फ अडानी और अंबानी भगत है, चौकीदार अडानी और अंबानी के हैं। हम अपने भारत देश के गुलाम है, उसी में ही आते हैं। तो गाइज, बस मैं उस भाई के लिए जो अपनी नौकरी से हाथ धो बैठे हैं, उनके लिए लाइव आई थी, क्योंकि बड़ा दर्द है भाई, नहीं मिलती नौकरियाँ आज के टाइम में। मैं आप कितनों की अप्रोच, एक प्राइवेट नौकरी लेने के लिए भी आपको कितनों की अप्रोच लगवानी पड़ती है, तब जाके भी आपको ये नौकरियां नहीं मिलती। लेकिन एक सेकंड में किसी ने आपकी नौकरी छीन ली हो तो उसका दर्द समझ में आता है। वैसे इतने सारे बेरोजगार घरों में बैठे हैं, लेकिन जिसके पास थी उनकी नौकरियों को छीनना, हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, हमारे जो मौलिक अधिकार है, हमारी राइट टू स्पीच है, हमारे संविधान की हत्या ये लोग घोटेंगे। ये विदेशों की जो पढ़ाई पढ़ के आने वाले लड़के, ये हमें बताएंगे संविधान क्या होता है। आई हेट दिस काइंड ऑफ दिस सिस्टम। और दुष्यंत चौटाला नाम है रेनू राणा, रहती पानीपत में, आपके रामकरण काला बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है ना, पूछ लेना। निरंतर विरोध किया था, करती रहूंगी। अगर तुम ठीक होते तो अच्छा बोलती, अगर तुम बुरा कर रहे हो तो बुरा बोलूंगी, रोक नहीं सकते हो। संविधान के तहत चलते हैं, मर्यादा में रहकर बात करते हो, संविधानिक तरीके से बात करती हूँ, इससे प्रश्न पूछने का पूरा अधिकार है। और अपनी ये ना गुलाब, ये जो अपनी तानाशाही है, मोदी वाली तानाशाही जो आपके अंदर, किसी और को दिखाना, हमारे ऊपर नहीं चलेगी। और भाई आपको सिर्फ इतना ही कहूंगी, हताश मत होना, निराश मत होना, आपने कोई गलती नहीं की, आपने अपने संविधानिक अधिकारों का प्रयोग किया था, आपने सिर्फ विरोध किया था, आप कहीं गलत नहीं है। गलत अगर कोई है तो ये दुष्यंत चौटाला है। गाइज, आप लोगों से सिर्फ इतना ही है कि प्लीज ये वीडियो को शेयर करके उस भाई तक जरूर पहुंचाना, ओके, ताकि उनको ये ना लगे कि उनसे कोई गलती या कोई गिल्टी है। हम हरियाणा के युवा साथी अपने भाई के साथ खड़े हैं, खड़े रहेंगे, और समय आने पर उस भाई के साथ धरातल पर भी, सिर्फ फेसबुक पर नहीं, कुछ लोग सिर्फ फेसबुक क्या होता है, सिर्फ फेसबुक पर नहीं, धरातल पर उस भाई के लिए खड़े होकर लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो ये रेनू राणा भाई पानीपत में बैठी है, कॉन्टैक्ट जरूर करियो। इनकलाब जिंदाबाद।